शाहरुख खान के बेटे आयरन खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कयास लगाए जा रहे थे और एनसीबी ने खुद ही कहा था कि वो उनके बेटे की हिरासत की मांग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है दावों में कि आयरन खान की चैट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लंबी पूछताछ के बाद आयरन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया था। रविवार शाम को तीनों को मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए ले जाया गया था और उसके बाद सीधे कोर्ट में पेश किया गया था। पहले आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं आपको बता दें, एनसीबी ने 9 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन वो तो हाल फिलहाल नहीं मानी गई है। लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी है और अगले 3 दिन यानी कि 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। एक बड़ी खबर है। हालांकि एनसीबी ने मांग की थी कि 9 दिन का रिमांड मंजूर किया जाए, लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो सिर्फ 7 अक्टूबर तक की हिरासत को मंजूरी दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो चैट हैं, व्हाट्सएप चैट्स, उसमें कई कोड वर्ड नज़र आए हैं जिनके बारे में तफ्तीश की जाएगी और तसल्ली से सभी से पूछा जाएगा, चाहे वो अरबाज मर्चेंट हो, मुनमुन धमेचा हो या फिर आर्यन खान हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अब पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।